जय हिंद मैम। जय हिंद ऑफिसर, सिट डाउन। मैडम, जिस क्रिमिनल को हम लोगों ने अपनी जान पर खेलकर पकड़ा था, उसे हमारे सीनियर ऑफिसर ने छोड़ दिया है। इसमें चौंकने की क्या बात है, ऐसा हमारे साथ पहली बार नहीं हुआ है। हम बरसों से मेहनत कर अपनी जान पर खेलकर मुजरिमों को पकड़ते आ रहे हैं और हमारे सीनियर ऑफिसर उन्हें छुड़वा देते हैं। मैडम, अगर इसी तरह चलता रहा तो इस देश में कभी क्राइम खत्म नहीं होगा और हमारी मेहनत बेकार जाती रहेगी। ऑफिसर, कभी कभी मुझे लगता है कि इस पद से मैं इस्तीफा दे दूँ, लेकिन मेरे भाई और पिताजी ने बहुत मेहनत की है मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। मैडम, मेरे तो एक बात समझ नहीं आ रही है, अगर हमारे सीनियर ऑफिसर को बार बार ऐसा ही करना होता है तो वो हमें मुजरिमों को पकड़ने के लिए क्यों भेजते हैं? ये तो बहुत दुख की बात है, मुझे अपने सीनियर ऑफिसरों से बात करनी होगी। मैडम, मुझे तो लगता है हमारे देश का कानून बिक चुका है। नहीं, तुम ये दाग कानून पर नहीं लगा सकते। हमें गर्व है अपने कानून पर और अपनी जान देकर कानून की रक्षा करने वाले ऑफिसरों पर। तो मैडम, ये फिर हो क्या रहा है हमारे साथ? जिस तरह एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसरों में कोई एक भ्रष्टाचारी ऑफिसर है जो अपने साथ साथ पूरे कानून को बदनाम कर रहा है। ठीक है मैडम, लेकिन मैं आज के बाद किसी भी मुजरिम को पकड़ने नहीं जाऊंगा। अगर मुझे किसी मुजरिम को पकड़ने का ऑर्डर दिया तो मेरा इस टेबल पर इस्तीफा होगा। जय हिंद मैडम, मैं चलता हूँ। अरे कालिया भाई, तुम ओए सुन, कालिया भाई नहीं, कालिया नाग हूँ मैं, डसता नहीं हूँ, सीधा निगल जाता हूँ। कालिया भाई बैठी। ओए ये बता रहे, तूने हमारे आदमियों को राशन क्यों नहीं दिया? कालिया भाई, राशन खत्म हो गया था। कालिया भाई, आपके आदमी लेट आए थे और राशन बचा ही नहीं था। ओए सुन कालिया भाई, से होशियारी, उल्टे हाथ का ऐसा उल्टा हाथ मारूंगा कि तेरी बोलती भी बंद हो जाएगी। नहीं नहीं कालिया भाई, मैं सच बोल ले आऊं। ओए सुन, तू तो जानता ही है हम कमाते धमाते तो है नहीं, तेरे यहाँ से इसलिए हमें राशन फ्री उठाना पड़ता है। कालिया भाई, आपको फ्री राशन उठाने की वजह से मुझे घाटा आ रहा है। ओए सुन, पैसे मांगने के चक्कर में मत रहना, अगर तूने मांगे भी ना तो तुझे उसके बदले मौत मिलेगी। नहीं कालिया भाई, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ओए सुन, बर्बाद तो साले मैं तुझे वैसे ही कर दूंगा अगर तूने कालिया को राशन देने से मना किया तो। मुझे माफ कर दो कालिया भाई, ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ओए सुन, तेरे राशन ना देने की वजह से ना कालिया को रात भूखा ही सोना पड़ा। कालिया भाई, आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। ओए सुरे सत्या जग्गा, जो भी राशन है उठा लो यहाँ से। हेलो, हाँ देशराज भाई, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे नहीं नहीं, इसमें कालिया से कहने की कौन सी बात है? देखो भाई, मामला हमारा तुम्हारा है, कालिया को बीच में क्यों लाते हो? क्या हुआ बाबूजी? सुन बेटे, देशराज का फोन था, उसके पैसे देने हैं। वो बोल रहा था कि उसके पैसे 3 दिन में नहीं दिए तो वो कालिया को बोल देगा। बाबूजी, कालिया तो बहुत खतरनाक आदमी है। सुन बेटे, अगर गलती से उसने उसको बोल दिया तो पता नहीं काली हमारे साथ क्या करेगा। अरे पापा डरते क्यों, आपकी बेटी आईपीएस ऑफिसर है। अरे बेटा, वो आईपीएस ऑफिसर ही तो है, लेकिन वो हर समय हमारे साथ में थोड़ी रहती है। तो पापा, 3 दिन के अंदर पैसों का इंतजाम कहाँ से करोगे? सुन बेटा, मैं कुछ भी करके इंतजाम कर लूंगा, लेकिन ये बात तू अपनी बहन को मत बताना, अगर उसने कालिया से पंगा ले लिया तो मैटर बहुत लंबा हो जाएगा। सुन बेटा, वैसे भी वो एक लड़की है, हमें उसकी शादी भी करनी है। बाबूजी, पैसों का इंतजाम तो हुआ नहीं, अब क्या होगा? सुन बेटा, जो होगा वो देखा जाएगा, हम उनसे कुछ दिन की मोहलत और मांग लेंगे। अरे बाबूजी, वो लोग तो आ गए। अरे कालिया भाई, आप यहाँ कैसे आए? ओए सुन बुड्ढे, जानकर अनजान मत बन, तुझे पता है मैं क्यों आया हूँ। हमें कुछ दिन की मोहलत और दो कालिया भाई, हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। अबे चल हट। कालिया भाई, हमारे साथ मारपीट मत करो, हमसे कुछ ही पैसे इकट्ठे हुए हैं। ओए सुन बुड्ढे, निकाल चल, कितने पैसे हैं तेरे पास? कालिया भाई, वो तो मेरे पास बस थोड़े ही पैसे इकट्ठे हुए। चल वे लावे बुड्ढे, उन पैसे को लिए मुझे दे दे, अभी उनसे ही काम चल जाएगा। ठीक है कालिया भाई, ये लो कुछ पैसे।
कालिया भाई, बाकी पैसे मैं देशराज को दे दूंगा, आप उनसे बोल देना। क्या कहा रे बुड्ढे, किससे बोल दूं? देशराज भाई से, जिसने आपको भेजा है। अबे चुप कर बुड्ढे, देशराज को तू पूरे पैसे देगा, ये पैसे तो मैं अपने लिए लेकर जा रहा हूँ। ऐसा मत कीजिए कालिया भाई, हम बर्बाद हो जाएंगे। ओए सुन बुड्ढे, मैं कालिया नहीं, कालिया नाग हूँ, डसता नहीं हूँ, पूरा निगल जाता हूँ। लेकिन कालिया भाई, ये पैसे हमने उनके लिए इकट्ठे किए थे। ओए सुन बुड्ढे, तेरा बेटा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, कहे तो ठोंक दूं इसे। नहीं कालिया भाई, ऐसा मत करना, इसे माफ कर दो। सुन रहे बुड्ढे, मैंने सुना है तेरी बेटी कुछ ज्यादा ही बड़े होदे पर बैठी हुई है। हाँ कालिया भाई। तो हाँ सुन बुड्ढे, अपनी बेटी से कह देना कि देशराज के पैसों का इंतजाम वो कर ले। और हाँ सुन, 20,000 रुपये मुझे हर महीने चाहिए। ओए तुम्हारी ये कैसी अजीब गुंडागर्दी है, तुम्हें यहाँ से एक पैसा भी नहीं मिलेगा और मैं तुम्हें ये पैसे भी नहीं ले जाने दूंगा। अबे क्या देख रहे हो खड़े खड़े, बजा दो सालों को अच्छे तरीके से। ओए सुरेश अंकल सत्या, आओ रे चलो चलते हैं। पापा दीदी आ गए। सुन बेटा, अपनी दीदी को कुछ मत बताना। पापा आप कैसे हो? अरे पापा ये खून कैसा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। हम लोग बाइक लेकर आ रहे थे, फिसल गए इसलिए चोट लग गई। सुन बेटा, हम लोग अभी तुझे याद कर रहे थे। और सुन बेटा, वहाँ पर तेरा मन अच्छे तरीके से लग जाता या नहीं? बाबूजी मेरी नौकरी ही ऐसी है, बहुत बड़े बड़े गुंडों से दुश्मनी हो गई है। पापा मेरी जिंदगी और मौत का कुछ पता नहीं। दीदी तुम्हारा भाई जब तक जिंदा है वो गुंडे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दीदी मैं आपके लिए अपनी मौत से भी टकरा जाऊंगा। सुनो बेटी, मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता लगी रहती है, अगर बेटी कोई खतरे वाली बात हो तो मुझे जरूर बता देना। सुनो बेटी, ये नौकरी मुझे नहीं करवानी जो मेरी बेटी की जान की दुश्मन बन जाए। नहीं पापा, जिस नौकरी के लिए आपने मुझे पढ़ाया लिखाया है और पापा आपने मेरी नौकरी लगवाने के लिए दूसरों से कर्जा भी लिया है, अब मैं पापा कामयाब हो गई तो मौत की डर से आप नौकरी छोड़ने को बोल रहे हो? पापा अब मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती, चाहे मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए। सुन बेटा, मैं तेरे जैसी बेटी पाकर धन्य हुआ, लेकिन मुझे तेरे ऊपर गर्व है। पापा ये लो मेरी पहली सैलरी, मैं आपको दे रही हूँ। पापा आपके सर से थोड़ा बहुत कर्ज कम हो जाएगा। ठीक है पापा मैं चलती हूँ, मैं ड्यूटी के लिए लेट हो रही हूँ। क्यों रे, इतने दिन हो गए तुझे, अभी तूने देशराज के पैसे क्यों नहीं दिए? हम आपको पैसे कहाँ से दें, हमारे पास पैसे छापने की मशीन तो है नहीं, जो कुछ भी पैसे वो आप ले गए। ओए सुन, कालिया नहीं मैं कालिया नाग हूँ, कालिया डसता नहीं है, निगल जाता है, और तूने कालिया के सामने ऊंची आवाज में बात की। ओए कालिया से ऊंची आवाज में बात करने का अंजाम बहुत बुरा होता है। ओए कालिया, ये क्या कर दिया तूने, मेरे बेटे को ही मार दिया। बेटे आगे तो खोल, कुछ तो बोल बेटे। ओए सुन बुड्ढे, अब ये तेरा बेटा नहीं बोलेगा, हमने इसे ऐसी नींद सुला दिया है जिसके लिए मौत कहते हैं। मेरे बेटे को मार दिया कालिया तूने, यही मेरे जीने का सहारा था, अब मैं किसके सहारे जूंगा, मुझे भी मार दे कालिया। हम तेरी इस इच्छा को भी पूरा कर देते हैं। आओ रे। कितनी फिक्र करते थे दोनों मेरी, उसे कितना चाहते थे, लेकिन कालिया ने सब बर्बाद कर दिया।
कालिया अब तुझे देखती हूँ, तुझे मुझसे कौन बचाएगा। सुनो मैडम, अब तो बहुत टाइम हो गया है और अंतिम संस्कार भी हो गया और आपकी छुट्टी भी खत्म होगी। चलो अब ड्यूटी पर चलते हैं। तुम जाओ और साथ में मेरा ये इस्तीफा भी ले जाओ। मैडम आप ये क्या कह रही हो और ये इस्तीफा क्यों दे रही हो? जो मुझे आईपीएस रूप में देखना चाहते थे, जब वो ही इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं इस नौकरी का क्या करूँगी? नहीं मैडम ये बात नहीं है, जरूर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है इसीलिए आप इस्तीफा दे रही हैं। मैं जानती हूँ तुम बिना पूछे नहीं मानोगे, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मुझे अपने परिवार की मौत का बदला लेना है। मैडम इस पद पर रहते हुए भी तो ये काम आसानी से हो सकता है। लेकिन मुझे कानून पर भरोसा नहीं है, लेकिन हमारे अफसरों और नेताओं के दबाव में आके उसे छुड़वा देंगे। मैं कानून की रक्षक होकर कानून को नहीं तोड़ सकती, इसीलिए मैं इस पद से इस्तीफा दे रही हूँ ताकि कानून मेरे रास्ते में बाधा ना बने। मैडम जी मैं भी अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, मैं भी आपकी रक्षा के लिए आपके साथ रहूंगा। नहीं मैं जानती हूँ तुम एक सच्ची सिपाही हो, मैं अपने फायदे के लिए तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकती। मैडम मैं तो अपना फर्ज निभाना चाहता था। मैंने तुमसे जितना बोला है उतना ही करो, मेरा इस्तीफा हेड ऑफिस में पहुँचा देना। ठीक है मैम। सुनो मैं कानून नहीं तोड़ रही हूँ, लेकिन जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है। मैं कालिया को उसी की भाषा में जवाब देना चाहती हूँ। और लड़की कालीबाई गड्डी की तरफ क्यों जा रही है? मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे कालिया की मौत खींच के ले जा रही है। ओ लड़की क्या बोल रही है तू? ए, नाजुक सुंदर कली, इस कालिया के अड्डे की तरफ कहाँ जा रही है? ओए कालिया, तुझे इस मुश्किल की घड़ी में रोमांस सूझ रहा है? मैंने तेरे सारे आदमी को मार डाला। अरे सुंदर कली, तूने मेरे आदमियों को मार दिया तब क्या हुआ? तुझे देखकर मेरी सारी नफरत प्यार में बदल गई। ओए सुन कालिया, मैं तेरी जिंदगी को मौत में बदल दूंगी। ओए नाजुक कली, मैं कालिया नहीं कालिया नाग हूँ, डसता नहीं हूँ, पूरा निगल जाता हूँ। कौन है तू? ओए सुन कालिया, तूने चार दिन पहले जिन दो निर्दोषों की मौत की थी, मैं उसी बाप की बेटी हूँ। ओए सुर्रे सत्या, पकड़ना है इसे, कालिया का खौफ जिंदा रहना चाहिए। ए लड़की तू जानती नहीं अभी किससे फंगा ले रही है, ये भूल कर भी गलती मत कर। ओए कालिया, मैंने तुझे मारने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कानून अपने हाथ में ले लिया। ओए लड़की तू चाहती क्या है और मुझे मारकर तुझे मिलेगा क्या? मैं ये चाहती हूँ समाज में कोई भी लड़की या किसी की बहन बेटी हथियार उठाने पर मजबूर ना हो। लेकिन तुझ जैसा गुंडा जब तक रहेगा तो कोई भी लड़की हथियार उठा सकती है, तुझ जैसे गुंडे को जीने का कोई हक नहीं।